नेपाल में आज एक बड़ा हादसा सामने आया। काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक विमान क्रैश हो गया जिसमें 19 लोग सवार थे। 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। नेपाल में बड़ा विमान हादसा, जोरदार धमाके ने दहला दिया। खौफनाक तस्वीरें नेपाल से आई हैं। घड़ी में करीब 11 बज रहे थे। नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक निजी विमान उड़ान भरने को तैयार था। जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया उसके बाद तो ये भयानक हादसा सामने आया। उड़ान भरते ही प्लेन में अचानक चिंगारी उठी और उसके बाद तो भयंकर धमाका हो गया। पल भर में ही प्लेन आग के गोले में तब्दील हो गया। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश हो चुका था। प्लेन में 19 लोग सवार थे। कई लोगों की चीखें तो हादसे में ही दब गईं। सोरिये एयरलाइंस का यह विमान था जो एयरपोर्ट से पोखरा जा रहा था, लेकिन प्लेन में सवार यात्रियों को कहां पता था कि ये उनका आखिरी सफर होने वाला है। हादसे के बाद प्लेन में आग लग गई, वो धमाके के बाद जमीन पर आ गिरा। प्लेन के कई हिस्से दूर तक जा गिरे। हादसे के बाद एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। एयरपोर्ट पर आए दूसरे यात्रियों की तो सांसें ही थम गई। हादसे के बाद पूरे एयरपोर्ट पर धुएं का गुबार दिखने लगा जो कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। बड़ी मशक्कत के बाद विमान में लगी आग को बुझा दिया गया। हादसा कितना भयानक था इसका अंदाजा तस्वीरों से साफ लगाया जा सकता है। विमान मलबे में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि विमान के उड़ान भरते ही उसमें आग लग गई और लपटों से घिरा विमान रनवे पर ही क्रैश हो गया। हादसे में कई लोग दम तोड़ चुके थे। विमान के पायलट को अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक विमान बॉम्बर्डियर CRJ-200ER था जिसे साल 2003 में बनाया गया था। चश्मदीदों के मुताबिक विमान ने रनवे से टेक ऑफ किया था। और रनवे पर ही क्रैश हो गया। हादसे के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली भी घटना स्थल पर पहुंचे। नेपाल में विमान हादसे का ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई हादसे हुए हैं। पिछले साल जनवरी में नेपाल में बड़ा प्लेन हादसा हुआ था, इसमें 72 लोगों की जान चली गई थी। ये थी एयरलाइंस का विमान पोखरा एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले क्रैश हो गया था जिसमें सवार सभी यात्री मारे गए थे। मई 2022 में नेपाल में एक और विमान हादसे में 22 लोग मारे गए थे। ये प्लेन पोखरा से जोसमोस जा रहा था। अचानक प्लेन में धमाका हुआ और वो हादसे का शिकार हो गया। साल 2018 में भी नेपाल में विमान हादसा सामने आया था। मार्च में हुए इस हादसे में 51 लोग मारे गए थे। विमान बांग्लादेश से नेपाल आ रहा था और त्रिभुवन एयरपोर्ट पर ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। काठमांडू में हुए हादसे के बाद घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रोक दिया गया है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां घटना की असल वजह का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और प्रयागराज में सावन के महीने के हर सोमवार को एक परंपरा कई दशकों से चली आ रही है। ये परंपरा इक्का दौड़ के नाम से जानी जाती है और इसमें घोड़े तांगे के साथ शहर की सड़कों पर दौड़ लगाते हैं। देखिए रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज की सड़कों पर सावन के हर सोमवार को ऐसी तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी जिसमें घोड़ों की दौड़ होती है। ये परंपरा में 200 साल पुरानी बताई जाती है। इस गहरेबाजी भी इसे कहा जाता है। घोड़ों की दौड़ को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचते हैं जिससे रोमांच देखते ही बनता है।
गहरेबाजी के शौकीन लोगों का कहना है कि घोड़ों के चलने का तरीका, जिसके लिए सालों से उनके पैरों में लहर डाली जाती है, इसका प्रदर्शन साल में एक बार होता है। गहरेबाजी में सिर्फ घोड़ों की दौड़ नहीं होती, बल्कि उनकी फिटनेस, उनकी चाल भी देखी जाती है। इसी के आधार पर जीत हार भी तय होती है। जीतने वाले घोड़े का इनाम दिया जाता है। इस साल रेल इलाके में दौड़ का आयोजन किया गया। यहाँ गंगा जमनी तहजीब भी दिखती है। हिंदू मुसलमान दोनों समाज के लोग उत्साह से भाग लेते हैं। आज लोगों के पास मनोरंजन के कई साधन हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गहरेबाजी के शौकीन साल भर इंतजार करते हैं। प्रयागराज से न्यूज 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। आगरा से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। हिमाचल प्रदेश से एक कैदी को यहां पुलिस पेशी के लिए लाई थी, लेकिन पुलिस कर्मी और कैदी ताजमहल देखने पहुंच गए, उसके बाद हंगामा हो गया। एक पुलिसकर्मी और कैदी ताजमहल के बाहर चहलकदमी कर रहे हैं। कैदी के हाथ में हथकड़ी है और पुलिस वाला उसके बगल में चलता हुआ दिख रहा है। ताजमहल देखने पहुंचे लोग दोनों की तरफ बेहद ही उत्सुकता से देख रहे हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश की पुलिस हथकड़ी लगाए इस कैदी को आगरा पेशी के लिए लाई थी, लेकिन यहां तो पुलिस कैदी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट देती दिखी। कहा जा रहा है कि कैदी ने आगरा के ऐतिहासिक ताजमहल को देखने की इच्छा जताई, जिसके बाद पुलिसकर्मी उसे ताजमहल दिखाने के लिए पहुंचे, लेकिन कैदी की इच्छा पूरी नहीं हो पाई क्योंकि उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। इसकी वजह आगे बताएंगे, पहले पूरा मामला जान लेते हैं। सफेद रंग की गाड़ी में हिमाचल प्रदेश पुलिस एक कैदी को ताजमहल के पूर्वी गेट पर लेकर पहुंची। गाड़ी से कुछ पुलिसकर्मी और कैदी उतरे। ताजमहल की सुरक्षा के लिए बैरियर पर सुरक्षा कर्मी तैनात थे। उन्होंने हिमाचल पुलिस से कहा कि हथियार के साथ आगे नहीं जा सकते और ना ही गाड़ी आगे जा सकती है। इसके बाद एक पुलिसकर्मी हथियार लेकर वहीं ड्यूटी में तैनात पुलिस के साथ बैठ गया। एक पुलिसकर्मी ने ताजमहल देखने के लिए टिकट भी खरीद लिया। जब पुलिस वाले कैदी को लेकर गेट में प्रवेश कर रहे थे तो एएसआई और सीआईएसएफ के कर्मचारियों ने रोक लिया, जिसके बाद हिमाचल पुलिस और कैदी को बिना ताजमहल देखे ही लौटना पड़ा। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मी की लापरवाही भी सामने आई। वो कैदी को खुला छोड़कर चलने लगा, जिससे कैदी खुद हथकड़ी की जंजीर हाथ में लपेट कर आराम से चल रहा था। ताजमहल देखने पहुंचे सैलानी भी ये देखकर अचंभित थे। कई सैलानी तो अपने फोन से वीडियो बनाने लगे। इतने में पुलिसकर्मी एक पर्यटक को वीडियो बनाने से रोकने लगा। लोगों की संख्या बढ़ने लगी। इसके बाद हिमाचल पुलिस ने कैदी को गाड़ी में बिठाया और वहां से निकलने में ही भलाई समझी। मंगलवार का ये मामला है। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसे लोग पुलिस और कैदी की सांठगांठ बता रहे हैं। आगरा से न्यूज 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट। और यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।